दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीवीसी सीलिंग डिजाइन के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ लाइट कैसे कटिंग होती है। तो जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो यहाँ पर लाइटें की कटिंग की जा रही है। तो ऐसे वायर निकाल दी जाती है लाइटें कटिंग करने से। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्होंने पूरी फरमाइश करके अपना इंची टेप से लाइट को कटिंग साइज को कटिंग करके यहाँ पर लाइटें लगाई जाएंगी। तो बात करें अगर पीवीसी सीलिंग डिजाइन की, तो यहाँ पर जो पीवीसी सीलिंग का डिजाइन बनाया है हमने, उसमें हमने साइडें है जो बॉर्डर जिसको हम बोलते हैं वो हमने डार्क कलर से डाउन किया है। 15 इंची हमने इसको डार्क कलर से डाउन किया है 3 इंची। तो इसके बाद अगर बात करें बेस पैनल की, तो बेस पैनल हमने वाइट शेड में, तो जिसको हम लाइट पैनल भी बोलते हैं, तो वो पैनल हमने पूरे बेस में लगाया है। और बात करें अगर फैन की, तो जहाँ पर पंखा लगना है वहाँ पर हमने 30x30 का एक स्क्वायर डार्क कलर का डिजाइन बनाया है, जो हमने 3 इंच को जिसको डाउन किया है। तो दोस्तों पीवीसी सीलिंग का जो डिजाइन है अभी आप देख पा रहे हो, ये बहुत ही अच्छी लुक है, जिसका साइज 10x12 फुट में हमने इसको तैयार किया है। तो सीलिंग का डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताना। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जब वायर नहीं मिलती तो हम ऐसे मोबाइल के कैमरे को चालू करके टॉर्च से और कैमरे से हम इसको वायर को देखते हैं और ऐसे करके हम बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों इस 10x12 के साइज की अगर कॉस्ट की बात करें, तो 12,000 रुपये में आप इस ऐसे रूम को तैयार करवा सकते हो, जिसमें लाइटिंग वायरिंग मटेरियल इंक्लूडिंग सब कुछ होता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।